1 अप्रैल 2019 से पहले का और अब तक आपने भी नहीं लगवाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो जल्द कीजिए। 30 जून से पहले आपने ये नंबर प्लेट नहीं बदली या नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आवेदक की पर्ची आपके पास नहीं मिली, तो आपको देना पड़ेगा पहली बार 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना और तीसरी बार आपका वाहन हो जाएगा जब्त। कैसे लगवा सकते हैं ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कहाँ करना होगा आवेदन और कितना लगेगा इसका शुल्क, एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वेबसाइट पर भी लोड बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने पहले 31 मार्च और फिर 30 जून को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम तारीख मुकर्रर की। इसके बाद जिन वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं होगी, पकड़े जाने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार में 10,000 और तीसरी बार में वाहन जब्ती तक किया जा सकता है। नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग की वेबसाइट एम परिवहन पर जाकर आप वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके बाद दोपहिया वाहनों के लिए 425 रुपए और कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर कृषि कार्य से जुड़े वाहन 495 रुपए जमा करा सकते हैं। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख और समय दिया जाएगा, उस तारीख और समय पर आप दिए गए डीलर के पास जाकर अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। सरकार का तर्क है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना और उनको बदल देना बेहद आसान होता है। ऐसे में आपराधिक मामलों समेत अन्य मामलों में उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैक करना परिवहन विभाग और पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगने के बाद निकाला नहीं जा सकता और उसकी क्लिप ही तोड़नी पड़ती है। देश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब इसकी वेबसाइट्स पर भी लोड बढ़ रहा है। सरकार ने पहले 31 मार्च HSRP नेम प्लेट के लिए मुकर्रर की थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून यहां कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी दोपहिया और चौपहिया वाहन चालक हैं उन पर यह नेम प्लेट लगाना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। पहली बार में पकड़े जाने पर बिना HSRP नेम प्लेट के यदि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना पकड़े जाते हैं तो 5,000 का जुर्माना, दूसरी बार में पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना और तीसरी बार में आपका वाहन भी यहां पर जब्त किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको सीधे विभाग की वेबसाइट पर जाना है या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की साइट पर जाना है और वहां जाकर आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ साथ में पैसा भी जमा करा सकते हैं और जो निश्चित तारीख आपको यहां पर दी जाएगी उस तारीख को आप डीलर के पास जाकर अपनी नेम प्लेट लगा सकते हैं। तो यदि आप अब तक भी नहीं लगवा पाए हैं तो अब इंतज़ार नहीं कीजिए, बचिए चालान से और अपने वाहन को जब्त कराने से। गिरिराज खंडेलवाल के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।